अस्सलाम वालेकुम। मेरे को तो आरिस के बकरे देख मेरे को ऐसे लग रहे थे, सब चल दिए ना तो अब ये चिल्लाएगा। दो लेने गए हम लोग को, तो इसके लिए थोड़ा टाइम होगा। एक तो बारिश, ऊपर से बकरा ढूंढना और ऊपर से ब्लॉक करना। हंट इज नॉट ओवर यट। تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत दिनों बाद एक व्लॉग बना रहा हूँ और आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं, फवाद और हारिस जा रहे हैं बकरा लेने के लिए। जी तो आप लोग बने रहो और मैं नीचे जाता हूँ, जस्ट उठाऊँ, नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ के नीचे उतरता हूँ या प्रॉब्ली वहीं जा के नमाज़ पढ़ता हूँ मस्जिद में, और फिर उसके बाद जाएँगे बकरा ढूंढने। अस्सलाम वालेकुम माय बॉयज, भाई ने बकरा ले लिया। भाई हम भाई हम दोनों को बकरा सर्च करने जाने हैं। रुको जरा, सबर करो। टोपे लोग यार पहले बोलते बाइक लेकर आ, अभी बाइक लेकर गया तो बोलते कि पैदल चलने का। जा रहे हम लोग पैदल। 2 hours later देख कैसा लग रहा है तेरे को? मेरे को तो आरिस के बकरे देख मेरे को ऐसे लग रहे थे। अब उन सब व्हाइट बकरे देख रहे हैं, मेरे को तो ये काला वाला पसंद आ रहा है, फुल ब्लैक है। सुस्त लग रहे लेकिन ये स्पॉट वाला, ये वाला। अबे सबको सर्दी हुई है बे, देख यहाँ के बकरे तो समझ में आ रहे हैं मगर बहुत हाइट में शॉर्ट है और काफी बकरों को सर्दी वगैरह हुई है। मेरे को एक बकरा समझ में आया था, वो आगे देखो, वो जो दिख रहा है वाइट मुंह पे पैच है, वो अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और एक ये वाला वाइट कलर का जो जिसमें मुंह पे ब्राउन पैच है। वाह क्या सीन है। हाँ हाँ तुम पहले ये कर लो। वाह क्या सीन है। वो देख बकरे देख, ये वाला बकरा भाई ने डन किए फवाद के लिए। ये पड़ा अपने को 28 बोल रहा था, लेकिन अपने को 20 में पड़ा। सब चल दिए ना तो अब ये चिल्लाएगा, सब चल दिए ना अब ये चिल्लाएगा। ये है बकरा। तो भाई एक सौदा हो गया और भाई का डन हो गया। अभी मेरा डन करना बाकी है, लेकिन मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो हाइट में थोड़ी ज़्यादा है और तकरीबन 20-25 के साथ बजट है अपना। दो लेने गए हम लोग को, तो इसके लिए थोड़ा टाइम है। बिल्डिंग में ला के बांध दिए और ये दोनों है हारिस के, ये वाला फवाद का है। बट नहीं खा रहे इसका, खिला के दिखा इसको। हारिस वाले माशाल्लाह भरे हुए, उमरा से लिया था इसने। ये वाला बता रहा था कि ये खस्सी है मगर ये लेट पंच खस्सी लग रहा है क्योंकि ये जो हरकतें कर रहा है वो अंडुल वाली है। यहाँ पे भी एक मंडी में हम लोग आए और बारिश इतनी तेज हो रही है यहाँ पे। मेंढा देख भाई, मेंढा बोला 4 मेंढे बोल रहा है, लेकिन मेरे को तो इसमें से ना खाली 1-2 दिख रहे हैं। एक इधर बैठा है, कौन सा वाला? हाँ ये अंडुल ना। मेरे को ये पित्ते वाला बकरा पसंद आया, ये पित्ता पित्ता जिसके ऊपर है ब्लैक स्पॉटेड, इसका भाई 58 बोल रहे हैं एक बकरे का। अब यहाँ की मंडी में हम लोग देखे मगर कुछ सही से जमा नहीं, तो अभी जा रहे दूसरी जगह देखने। A few moments later. तो भाई बकरे तो पसंद आ रहे हैं लेकिन रेट पसंद नहीं आ रहा है, बहुत महंगी मंडी चल रही है, इतनी बारिश है उसके बावजूद इतनी महंगी है, मतलब सोचो फिर क्या हाल हो। एक तो बारिश, ऊपर से बकरा ढूंढना और ऊपर से ब्लॉक करना, भाई बहुत मुश्किल हो रहा है। मुदस्सिर ब्रो तेरे अब्बा बकरा लेकर आ गए, वो भी इधर। Thank you.
देखकर आ गए बकरे वगैरह, कुछ समझ में आए बट रेट नहीं समझ में आया, गया नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के अभी वापस घर आ रहा हूँ। अब्बा बोले कि हाँ साथ में चलेंगे, तब देखते हैं। अभी फ़िलहाल घर पे थोड़ा देर आराम करता हूँ, उसके बाद निकलेंगे वापस, दोबारा हंट चालू है। हंट इज़ नॉट ओवर येट, ओके, हंट इज़ नॉट ओवर। तो भाई मैं आ गया हूँ घर पे, थोड़ा देर आराम करता हूँ, आराम करने के बाद वापस चलेंगे इंशाल्लाह और बकरा देखेंगे। हंट जारी है, हंट अभी बंद नहीं हुई है। और वो वाला बकरा काफ़ी पसंद आया था मेरे को जो हम लोग ने पहली वाली मंडी में देखे थे, उसका रेट उसने बहुत ज़्यादा बोला, 66 की नहीं थी वैल्यू उसकी। हारिस को मैं बोलता तो वो 44 बोलता, लेकिन डैडी इतने में फ़ोन आ गया और बोलने लगे कि नहीं अभी तू बात मत कर, तू आ ऊपर साथ में हम लोग चलेंगे। तो अभी नेक्स्ट डैडी के साथ जाना है और फिर देखना है इंशाल्लाह। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वापस वही मेरे दोस्त की मंडी में वापस चलेंगे और वो वाला बकरा वापस पानी करेंगे। बहुत मुश्किल थी, बारिश भी हो रही है, ऊपर से रोज़ा भी है, ऊपर से ये भी है कि व्लॉग करना है, साथ साथ व्लॉग बनाना है, बहुत मुश्किल थी। थोड़ा देर आराम कर, बोल रही है मत बना। अच्छा हमको सिखा रही है, नहीं बनाऊंगा तो फिर फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, रीच कैसे मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। हाँ जी। 2 hours later. Assalamualaikum, welcome back. और मैं भी जस्ट सो के उठा तो मेरे को डैडी का फोन आ गया। वैसे तो हंट ओवर नहीं थी बट हंट ओवर हो गई। मैं उठा और डैडी ने फोन किया और कहा कि हो गया है, बकरे दो बकरे ले लिए मैंने, तुम लोग गेस करो प्राइस क्या होनी चाहिए, मैं तुम लोगों को नीचे जाके बकरा दिखा के लेकर आता हूँ और तुम लोग गेस करो, मैं बाद में कमेंट में पिन कर दूँगा कि क्या कितने में, अभी नहीं बताऊँगा। और हाँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार मैंने बकरा खुद अपनी अर्निंग से लिया। मतलब हर एक की ख्वाहिश होती है यार, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि जब वो कमाने लगे तो अपनी अर्निंग से बकरा ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जाके देखते हैं। आ गए बकरे और पार्किंग में है। बस इसकी कमी थी, क्या बोलते आ गए। कौन सा शाजन बता दो। अरे दिखेंगे तो ये वाइट है, वो देखो हमारे एक वाइट इधर है, ये वाला ना लिखा हुआ है ना वाइट, हाँ वो एक है, उसपे इस पे भी लिखा हुआ है, तुम्हारे इधर है, इस पे ये लिखा ना, एक तुम्हारे इधर है, ये वाइट है। हाँ सही है, मिले बोले सब अपने। हाँ ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। सआदत मंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, जमीनो आसमां हैरात इस ताअत गुजारी पर, रजा जोई की ये सूरत नजर आई न थी अब तक, ये जुर्रत बेशतर इंसान दिखलाई न थी अब तक, अजब बशाश थे दोनों रजाए रब इज्जत पर, तअम्मुल या तजब्ज़ुब कुछ न था दोनों की सूरत पर, कहा फरजंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है, मगर आंखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा, मुबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, मुबादा में तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए। पिसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई, ये रस्सी और पट्टी बांधनी उनको। यार फवाद, ये तेरा बकरा बार बार सीढ़ियों पे क्यों जाता है, हमेशा सीढ़ी पे जाके बैठ जाता है।
ओके बाय। इस बारी मसला ये हुआ है कि जिसके पास पार्किंग है उसको तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो इस तरह सीढ़ियों पे बांध के रखे। बाइक का असली मज़ा कब आता है, जब साथ में सारे बकरे हों। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बकरे इधर बंधे कुछ बकरे उधर बंधे, एक जगह एक साथ जब बकरे बंधे होते हैं ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और ऐसा होना भी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई क्यों इस तरह किया जा रहा है। कुछ टाइम से एक टाइम था जब पूरे बिस्मिल्लाह हट के बकरे एक ही फ्लोर पे होते थे, क्या मज़ा आती थी यार। कुछ करना चाहिए, कुछ करना ज़रूर चाहिए इसके बारे में तुम लोगों को, सोसाइटी वालों कुछ करना चाहिए। इसके साथ मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बकरा ईद के ऊपर बनाऊँगा, अभी तो सिर्फ बकरे लाने का व्लॉग था, तो तब तक के लिए बने रहो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़े, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। जिन लोगों को इंस्टाग्राम नहीं पता मेरा, शेख फैसल 62 वीडियो के एंड होने के बाद आ जाएगा। और हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum. I think it's best that I say, I ain't pious, I ain't righteous, I ain't one of the greats. I ain't Umar, I ain't Ali, I ain't Ahlul Bayt. So now we got that straight, let me express my faith. Cause all the people wanna know, how you got in Dean, bro? What made you leave the scene, bro? What light did you see, bro? We see you got a beard now, so we wanna hear how.